Hey everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Designs. So today's video I'm going to share anarkali frock. So is the fa guys apne aap logo ke sath anarkali frock ka full tutorial share kiya hai. So guys dekhiye ye kitna khoobsurat and beautiful lag raha hai. You can see guys this is very awesome and pretty. So guys this is very comfortable for summer season and you can wear this outfit for daily wear for college. Everywhere you can wear this outfit. This is very comfortable, guys. So guys, इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने 3.5 मीटर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ किया है एज अ यू कैन सी गाइज एंड हमने इसमें लेस का यूज़ किया है यू कैन सी गाइज इस अनारकली फ्रॉक को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है आपकी सोच से भी ज़्यादा ईजी है अगर आपको बेसिक स्टिचिंग आती है तो आप इसको ईजिली स्टिच कर सकते हैं गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू सो फर्स्टली अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पर जाके फॉलो करें मैंने अपनी आई डी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दी है एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड सो गाइज फर्स्टली हमने यहाँ पर 3.5 मीटर कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक का यूज़ किया है देन हमने यहाँ पर वाइट वाली लेस 20 मीटर्स यूज़ की है देन हमने येलो वाली लेस 7 मीटर यूज़ की है सो गाइज लेट्स स्टार्ट सो गाइज हेयर आई एम कटिंग द टॉप पार्ट एंड गाइज यहाँ पर हमने अपना फैब्रिक 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है देन हमने यहाँ पर अपनी कपड़े की लेंथ देखनी है एंड विड्थ देखनी है तो विड्थ हमारी 12 इंचेस है एंड हमारा लेंथ जो है वो 15 इंचेस है देन हमने यहाँ पर शोल्डर पर मार्क करना है एंड हमने शोल्डर यहाँ पर 7 इंचेस पर मार्क कर लिए हैं देन हमने यहाँ आर्म होल पर मार्किंग करनी है तो हमने यहाँ 8 इंचेस पर मार्क कर लिया है सो गाइज मैंने इस फ्रॉक को थोड़ा लूज फिट पर बनाना है सो देयरफॉर आई एम लूजिंग मेजरमेंट सो गाइज देखें यहाँ पर हमने कर्व सेव कर दिया है यू कैन सी एंड यहाँ पर मैंने अपना बस्ट साइज लिया है 10.5 इंचेस देन हमने यहाँ पर अपनी वेस्ट साइज लिया है 9 इंचेस देन हम इसको मैच कर देंगे एंड यहाँ हम थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए एंड यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस पर अपना डाउन शोल्डर किया सॉरी शोल्डर डाउन किया है देन हम इसको कट कर देंगे लाइक दिस हमने यहाँ टॉप पार्ट कट कर लिया है देन हमने यहाँ पर अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है एंड हम यहाँ पर थोड़ा इसको गहराई देते हुए अपना आर्म होल कट कर लेंगे लाइक दिस हमने आर्म होल कट कर लिया है एंड यहाँ पर हमने नेक की मार्किंग करेंगे तो हमने 3 इंचेस विड्थ ली है नेक की एंड लेंथ हमने ली है 4.5 इंचेस हमने लेंथ ली है हमने यहाँ पर अपना नेक ड्रॉप शेप में बनाना है तो हमने ड्रॉप शेप की लेंथ जो लेनी है वो 3 इंचेस लेनी है देन हमने यहाँ पर ड्रॉप शेप मार्क कर देना है सो गाइज देखिए अब मैं यहाँ पर अपने नेक की कटिंग कर रही हूँ सो गाइज हमने यहाँ पर नेक कट कर लिया है अब हमने अपने नेक की स्टिचिंग कर लेनी है तो देखिए गाइज हमने यहाँ पर स्ट्रिप ले लेनी है देन इसको हम स्टिच करेंगे यू कैन सी गाइज आई एम स्टिचिंग हेयर तो देखिए गाइस हमने यहाँ पर अपने नेक की स्टिचिंग कर दी है देन अब हमने इसमें कट लगा देने हैं कुछ इस तरह से अब हमने अपने नेक में कट कर दिए हैं देन हमने इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करना है एंड इस डिज़ाइन को थोड़ा हाईलाइट करना है यू कैन सी गाइस देखिए मैं किस तरह से इसको फोल्ड कर रही हूँ सो देखिए गाइस हमने यहाँ पर अपना नेक रॉन्ग साइड फोल्ड कर लिया है अब हमने इसके ऊपर स्टिचिंग लगा देनी है कुछ इस तरह से सो गाइज देखिए हमने यहाँ पर ऊपर वाली साइड की स्टिचिंग लगा देनी है अब हम इसको रॉन्ग साइड करेंगे देन ये जो हमारा फैब्रिक है यानी जो स्ट्रिप है इसको हम फोल्ड कर देंगे यहाँ पर हम रफली स्टिच कर देंगे बिकॉज मैंने यहाँ पर हैंड स्टिच करनी है सो देयरफॉर आई एम स्टिचिंग हेयर गाइज
गाइस यहाँ पर हमारा नेक कंप्लीट हो गया है, अब हमने इसके ऊपर लेस लगा देनी है। सो गाइस देखें हमने किस तरह से इस पर लेस स्टिच करनी है। हमने जो इसमें डिज़ाइन बनाया है इसके ऊपर लगाते हुए हम इसको स्टिच कर देंगे। सो देखिए गाइज हमने यहाँ पर नेक पे लेस स्टिच कर ली है। सो हमने यहाँ पर एक मार्किंग ड्रॉ की है कुछ इस तरह से। अब हम इस मार्किंग के ऊपर अपनी लेस को स्टिच करते जाएंगे एंड हमने ये लेस अपने टॉप पार्ट पर अटैच करनी है। सो देखिए गाइज मैं यहाँ पर स्टिचिंग कर रही हूँ। हमने ये स्टिचिंग उसी मार्किंग पे करनी है जो हमने मार्क ड्रॉ किया है। Build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? So guys, देखिए हमने यहाँ पर लेस अटैच कर दी है। अब हमने अपनी बैक नेक की कटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट को बैक नेक के ऊपर रखना है। देन हमने यहाँ पर बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। So guys, देखिए हमने यहाँ पर विड्थ 3.5 इंचेस ली थी, देन हमने यहाँ पर लेंथ भी 3.5 इंचेस ली है। सो इस तरह से हम कर्व शेप देते हुए अपने नेक बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे, सॉरी बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर देंगे। सो गाइस देखें हमने यहाँ पर अपने नेक की कटिंग कर ली है एंड हमने यहाँ पर एक ओरेप शेप में स्ट्रिप ली है। देन हम इसको इसके ऊपर रखते हुए स्टिच कर देंगे। यहाँ हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कट लगा देने हैं। देन इसको हम रॉन्ग साइड रखते हुए इसके ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे, यानी हम इसको रॉन्ग साइड फोल्ड कर लेना है। देन हम इसके ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइस देखें हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगा दी है। देन हमने अपने यहाँ पर शोल्डर भी अटैच कर दिए हैं एंड हमने यहाँ पर अपनी साइड फिटिंग देनी है कुछ इस तरह से। सो देखिए गाइस हमने यहाँ पर साइड फिटिंग भी दे दी। सो गाइस नाउ कट द पैनल। सो गाइस हमने यहाँ पर अपना फैब्रिक 2 फोल्ड में ले लिया है। देन हमने यहाँ पर अपने पैनल्स कट कर लेने हैं। यहाँ पर हमारी फोल्डेड साइड है एंड उधर से हमारी ओपन साइड है। सो देखिए हमने यहाँ पर अपने पैनल की लेंथ 38 इंचेस ली है, यू कैन सी गाइस। एंड हमने अपनी फैब्रिक की विड्थ 54 इंचेस ली है लाइक। एंड गाइस हमने अपने पैनल की ऊपर साइड 2.5 इंचेस पर मार्क किया है। ये डबल फोल्ड से मैं कट कर रही हूँ। 2.5 इंचेस यहाँ पर है एंड यहाँ पर मैं नीचे की साइड 9 इंचेस है, यू कैन सी गाइस। अब हम इसको इस तरह से मार्किंग कर देंगे मिलाते हुए। ये हमारे फोल्डेड साइड है, यहाँ पर हमारी दो गलियाँ बनेंगी। सो हमने इस तरह से मार्किंग कर दी है, अब हम इसको कट कर देंगे। सो गाइस देखिए जो हमारा बचा फैब्रिक है हमने इस पैनल को इसके ऊपर रखते हुए देन हमने इस पर मार्किंग करनी है। देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने इस पैनल्स को कट कर देना है। सो देखिए गाइस हमने अपने पैनल्स कट कर लिए हैं। ये हमारे 20 पैनल्स है, 10 फ्रंट एंड 10 बैक, यानी कि हमारे 10 फ्रंट एंड बैक दोनों पर आएंगे। सो गाइस देखिए अब हमने आपको इसको बताना है हमने इस पे लेस कैसे स्टिच करनी है। सो देखिए हमने यहाँ पर अपने 2 पैनल ले लेने हैं एंड बीच में हमने लेस को रखना है कुछ इस तरह से। देन हम इसको फोल्ड करते हुए इसकी किनारे वाली साइड पे स्टिचिंग लगा देनी है। उधर की साइड भी हमने किनारे वाली साइड को लेते हुए स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस मैं अभी आपको स्टिचिंग लगा के बताऊँगी, देन आपको बहुत ईजी हो जाएगा इसको बनाना। सो देखिए मैं किस तरह से यहाँ पर किनारे को रखते हुए कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पे स्टिचिंग करती जा रही हूँ। It's no sweat.
the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. So finally guys, हमने लेस को अटैच कर दिया है. हमने अपना फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है. यू कैन सी गाइज. एंड गाइज, अब हमने अपने दोनों पार्ट की साइड वाली स्टिचिंग लगा देनी है. यू कैन सी गाइज, हमने साइड में दोनों साइड स्टिच लगा देनी है अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग रखते हुए हमने साइड में स्टिचिंग लगा देनी है. एंड गाइज, हमने साइड की स्टिचिंग लगा दी है. यू कैन सी गाइज. एंड हमने अपना टॉप पार्ट अपने स्कर्ट पार्ट से अटैच कर देना है. हमने यहाँ पर स्टिच लगा देनी है कुछ इस तरह से रखते हुए. सो गाइज देखें, हमने अपना टॉप पार्ट भी इससे अटैच कर लिया है स्कर्ट पार्ट से. यू कैन सी गाइज. सो देखें, अब हमने अपना फ्रॉक का बॉटम पार्ट फोल्ड करना है. सो देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए अपनी लेस को भी इसके साइड से रखते हुए अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से. यू कैन सी गाइज. सो गाइज देखिए, हमने अपने फ्रॉक का बॉटम फोल्ड कर दिया है और लेस को भी अटैच कर दिया है. अब हमने अपनी स्लीव्स को डिज़ाइन करना है. सो गाइज, हमने अपनी स्लीव्स ऑलरेडी कट की हुई थी जैसे हम नॉर्मल कट करते हैं. सो देखिए, हमने इस तरह से इसमें लेस को अटैच करना है और इसके साइड वाली किनारे पर रखते हुए इसको स्टिच कर देना है कुछ इस तरह से. यू कैन सी गाइज. सो गाइज देखिए, हमने यहाँ पर स्ट्रिप लिया है जिसकी लेंथ 4 inches है और इसको हम फोल्ड करते हुए किनारे की साइड से रखते हुए इसको भी हम स्टिच कर देंगे. हमने यहाँ पर अपनी लेस को अटैच कर दिया है. अब हमने अपनी स्ट्रिप पर पिनटेक्स देनी है. सो देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिनटेक्स डालते हुए इसको रेडी करेंगे. ये हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन है, यानी हमने इसे पिनटेक्स देनी है इस तरह से. सो गाइज, यहाँ पर हमने 4 से 5 पिनटेक्स देनी है. सो देखिए, हमने यहाँ पर पिनटेक्स डाल दी है. अब हम इसका बॉटम फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरह से. हमने इसको फोल्ड कर देना है. आफ्टर दैट फोल्डेड, हमने यहाँ पर लेस को अटैच कर देना है. सो देखिए गाइज, मैं किस तरह से लेस को अटैच कर रही हूँ. उसके नीचे रखते हुए हम लेस को भी अटैच कर देंगे. सो देखिए, यहाँ पर हमारी लेस भी अटैच हो गई है. अब हमने ऊपर की साइड भी पिनटेक्स डाल देनी है. यहाँ भी हमने 4 to 5 पिनटेक्स डालनी है. सो फाइनली गाइज, हमने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को तैयार कर लिया है. यू कैन सी गाइज, अब हमने अपनी साइड फिटिंग दे देनी है. सो देखिए, मैं यहाँ पर साइड फिटिंग दे रही हूँ. देखिए, यहाँ पर हमने साइड फिटिंग भी दे दी है और हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई है. सो गाइज, अब हमने अपनी स्लीव्स को अपने अनारकली फ्रॉक से अटैच करना है. सो देखिए, हमने किस तरह से इसको अटैच करना है. इस तरह से इसको हम रखेंगे और अटैच कर देंगे. यू कैन सी गाइज. फाइनली गाइज, दिस इज माई फाइनल लुकआउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.